मेरे कमर में दर्द हुआ था तो उसके बाद मैंने सब जगह दिखा दिया डॉक्टरों से। किचन में आप लेट जाती थी, इतनी तकलीफ आपको होती थी, इसके अलावा और कौन कौन से काम आप नहीं कर पा रही थी? मैं बच्चों को कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना मेरे घर का काम, मैं आधी बार पियर रह रही थी। इनके हल्का सा दर्द उठा था, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो गया। अब इनको डॉक्टरों के लेकर जाते, कोई डॉक्टर क्या सलाह देता, कोई क्या सलाह देता, पता नहीं ज्यादा हो जाए। फिर मेरे फादर हैं, वो हकीम साहब का चैनल देखते हैं, शो देखते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक बार वहाँ से दवा मंगवाओ। हम सोचते अल्लाह कैसे क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, ऑपरेशन की कहते तो हमारा दिल घबराता था। तो हकीम साहब से जुड़ के पहले की जिंदगी में अब की जिंदगी में कितना फर्क आपको लग रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत, बता नहीं सकती हूँ। आज जो कहानी हम देखने जा रहे हैं, वो कहानी देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि हम सबके लिए स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे मायूस नहीं होना चाहिए। जयपुर के घाट गेट हलीम शाह दरगाह के सामने रहने वाली शाहिदा जी की कहानी यही सीख देती है। एक समय इनकी कमर में ऐसा दर्द होता था कि महीनों बिस्तर पर पड़ी रहती थी। सीधी लेटी रहती थी कि ये आए तब मैं इनसे करवट लूँ। ये बाहर रहते थे, बाहर से अंदर आते, जब मैं कहती मुझे करवट दिलवाओ तब ये करवट दिलवाते थे, मैं से हिला भी नहीं जाता। तो लेटी लेटी रोती रहती थी मैं कि ये जल्दी सीख आ जाए, अंदर आ जाए, जल्दी आ जाए। जब ये आते थे जब मुझे करवट दिलवाते। इस कमर दर्द से इनका उठना भी मुश्किल हो गया था। मायूसी इतनी हो गई थी कि जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। जगह जगह इलाज कराने के बाद भी इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ ना, मुझे ना मेरे कपड़े पहनने का होश था, ना मेरे छुट्टियाँ भरने का होश था, किसी चीज का होश नहीं था मेरे को। बस मुझे रोना आता था, मैं कैसे, क्या थी, क्या हो गई। इतना बुरा लगता था, शीशा देखना बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि मुझे चेहरा अच्छा नहीं लगता मेरा। पूरा घर शाहिदा जी की इस तकलीफ से परेशान था। इनके शौहर भी इनकी हालत देखकर काफी मायूस थे। इनके हल्का सा दर्द उठा था, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो गया। अब हमें मालूम नहीं था कि इतना ज्यादा हो जाएगा। अब इनको डॉक्टरों के लेकर जाते, कोई डॉक्टर क्या सलाह देता, कोई क्या सलाह देता, एंड तो ये आ गया था कि डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा और आपके छल्ले डलेंगे। देखो उस वक्त हमारी कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि हम ऑपरेशन वगैरह करा लें। हम सोचते अल्लाह कैसे क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, ऑपरेशन की कहते तो हमारा दिल घबराता था। आज हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद कैसे शाहिदा जी भाग दौड़ कर रही हैं और इतनी स्वस्थ हुई हैं, यही देखने हम पहुंचे इनके घर जयपुर हलीम शाह दरगाह के पास। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और इस वक्त मैं मौजूद हूं घाट गेट आगरा रोड हलीम शाह दरगाह के सामने, जिनका घर है और ये जयपुर के अंदर जगह पड़ती है। यहां पे रहती हैं शाहिदा जी। शाहिदा जी से हम मिलने इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें तकलीफ रही। वो किस चीज़ की? कमर के दर्द की। कितने साल पुरानी? 5 से 6 साल। और इतनी तकलीफ उन्होंने झेली है कि हम खुद बयां नहीं कर सकते। हम खुद उनसे आपको सुनवाएंगे कि क्या क्या तकलीफ उनको रही जब उन्हें कमर का दर्द रहा, क्या वो काम नहीं कर पा रही थी और कैसे एक एक दिन उनका बोझिल होता जा रहा था कि मैं ठीक हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी। ये सारी बात हम उनसे जानेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कहानी। तो चलिए आप सभी दर्शकों को मिलवाते हैं शाहिदा जी से। उनके घर में इस वक्त मौजूद हूँ, उन्हीं के साथ मैं बैठी हूँ, तो मिलकर इस्तकबाल करते हैं शाहिदा जी का। आदाब मैम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलने का मौका मिला और आपने घर पे हमें बुलाया। तो आपको परेशानी क्या थी? मेरे कमर में दर्द हुआ था। अब बड़ी लड़की हुई थी तब से परेशानी हो गई थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। फिर छोटी लड़की हुई तो उसके बाद तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई, तो ना काम हो पा रहा, ना चल पा फिर पा रही, ना उठ पा रही, ना बैठ पा रही, यहाँ तक कि मैं, मुझे बेड रेस्ट बता दिया, हिलना भी मत, ये हालत हो गई थी मेरी।
तो उसके बाद मैंने सब जगह दिखा दिया डॉक्टरों से, किसी ने मुझे एक्सरसाइज बताई, किसी ने मुझे सिकाई बताई, तो किसी ने कहा आपके छल्ले सरक गए, आप बैठे रहो, आप जैसे आपकी ये नहीं है, ऑपरेशन ही होएगा, इतनी नौबत आ गई थी। लेकिन फिर हकीम साहब के मेरे फादर हैं, वो हकीम साहब का चैनल देखते हैं, शो देखते हैं जी जी। तो उन्होंने बहुत सारी दवाएं तो अपने आप घर के नुस्खों से याद कर ली थी, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक बार उनके नंबर लेके जाओ, वहाँ बात करो, अपनी तकलीफ बताओ और वहाँ से दवा मंगवाओ। तो फिर मैंने फादर से नंबर लेके आई, फिर उन्होंने मैंने बात करी आपकी कंपनी में, मैंने अपनी तकलीफ बताई, तो उन्होंने दवा मेरे एड्रेस पे भेजी, तब फिर वो दवा खाई मैंने, तो मुझे इतना आराम हो गया, मैं चलने फिरने भी लगी और मैं अपने घर का काम करने लगी। ठीक है, ये परेशानी आपको हुई कैसे, डॉक्टर ने आपको क्या बताया और कितने साल पुरानी ये परेशानी आपको? अब डॉक्टर ने ये तो नहीं बताया, लेकिन ये परेशानी हुई मेरे बड़ी लड़की हुई उसके बाद से ही मेरे टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड के बाद से ही मेरे कभी किस चीज़ की परेशानी हो जाती, कभी किस चीज़ की, मैं दवा लेती रही लेकिन आराम नहीं हुआ। आराम छोटी लड़की हो गई, तो छोटी लड़की के बाद से तो ज़्यादा तकलीफ हो गई, और फिर बाद में ये बताया कि नस में दिक्कत हो गई, नस में परेशानी हो गई। डॉक्टरों के जाते कोई, वो अपनी जांच करवाते, वो अपनी दवा देते, लेकिन उससे आराम नहीं होता। दवा खाती इतनी देर आराम होता, फिर वापस वही हालत हो जाती। कितनी बार तो किचन में लेट जाती थी मैं, खाना बनाती बनाती मेरे से खाना भी नहीं बनता था। लेकिन जब से मैंने दवा खाई है, तो मुझे दवा, मैंने एक साल के आसपास दवा खाई और दो साल मुझे दवा छोड़े हुए हो गई, ये तीसरी साल चल रही, मैं आराम से काम कर रही हूँ। चलिए, दवाइयाँ आपने बिल्कुल छोड़ दी हैं, इस पे भी मैं आऊँगी, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि आप जब किचन में खाना बनाती थी तो आपके ऐसे हाल हो गए थे कि आप किचन में ही लेट जाती थी, खाना भी नहीं बना पा रही थी मैं, किचन में ही लेट जाती थी। अच्छा, किचन में आप लेट जाती थी, इतनी तकलीफ आपको होती थी, इसके अलावा और कौन कौन से काम आप नहीं कर पा रही थी? मैं बच्चों को कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना मेरे घर का काम, मैं आधी बार पियर रह रही थी। अच्छा, यहाँ पर मुझसे काम ही नहीं हो रहा था, तो मैं अपने मायके रह रही थी, जब थोड़ी हिम्मत होती तब आती यहाँ पर, फिर वो थोड़ी सी दवा खा लेती, असर रहता डॉक्टर की दवा से, तो काम कर लेती, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता तो मैं वापस लागिर हो जाती कि मेरे से कुछ भी नहीं होता था, फिर मेरे से उठ भी नहीं पाती थी, ये हाल हो गया था मेरा। ठीक है, यानी आप बेड से उठ ही नहीं पाती थी? नहीं, मैं ये मानूं 5 मिनट से ज्यादा मैं बैठ नहीं पाती थी। ओहो, बैठने में भी तकलीफ? बैठने में भी। अच्छा, जैसे अभी आप बैठ के मुझसे बात कर रही हैं, तो अभी बिल्कुल नहीं बैठ पाती थी, सहारा लगा के थोड़ी बहुत देर बैठ जाती थी, लेकिन बगैर सहारे के तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकती थी। अच्छा, इतनी तकलीफ हो गई। तो दिन रात क्या ख्याल मन में चलते थे कि क्या करूंगी, कैसे होगा, घर कैसे संभलेगा? यही हो रहा था कि मैं क्या, पता नहीं ज़्यादा हो जाए, उस टाइप पे कोरोना वायरस और हो गया, लॉकडाउन लग गया था, तो उसको देख देख के और मन में ख्याल ऐसे आ रहे थे कि क्या होएगा, हॉस्पिटल जाएं तो दिक्कत, नहीं जाएं तो दिक्कत, तो रोना नहीं निकलता था जब रात में सोचती थी कि कैसे ठीक होंगी? मेरे से करवट भी नहीं लेती थी, मेरे शौहर दिलवाते थे मेरे को करवा। इतनी बार तो मैं सीधी लेटी रहती थी कि ये आए तब मैं इनसे करवट लूँ। ये बाहर रहते थे, बाहर से अंदर आते, जब मैं कहती मुझे करवट दिलवाओ तब ये करवट दिलवाते थे, मेरे से हिला भी नहीं जाता था। तो लेटी लेटी रोती रहती थी मैं कि ये जल्दी सिखा जाए, अंदर आ जाए, जल्दी आ जाए, जब ये आते थे जब मुझे करवट दिलवाते। एक तरफ आपके बच्चे इतने छोटे, ऊपर से आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ कि आप अपने शौहर का सहारा ले रही हैं, उनका इंतज़ार करती थी कब वो आएंगे और कब मुझे करवट दिलवाएं। अच्छा, मैं अगर सोच भी रही हूँ तो मतलब मुझे बहुत तकलीफ हो रही है सोचने में भी कि आप तब तक ऐसे ही लेटी रहती थी, सीधी आप करवट ही नहीं लेती थी, मेरे से यूँ हिला भी नहीं जाता था, दर्द इतना तेज होता था और ऐसा लगता था कि यहाँ पैरों की नस से यहाँ कमर तक मुझे कोई खींच पकड़ के खींच रहा है, इतनी तेज नसों में खिंचाव होता था मेरा कि मैं बता नहीं सकती थी, मेरा कि पैर मेरे पूरी रात यूँ हिला हिला के यूँ करती थी कि मैं नींद आ जाए मेरे, नींद आ, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी मेरे, बस ये पैर हिलाती रहती थी यूँ करके कि मुझे सुकून मिल जाए, सुकून मिल जाए। जब आपको दर्द शुरू हुआ था, दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो ज़िंदगी कितनी बदली हुई दिख रही थी आपको? मैं कह रही हूँ ना, मुझे ना मेरे
कपड़े पहनने का होश था, ना मेरी छुट्टियाँ भरने का होश था, किसी चीज़ का होश नहीं था मेरे को। बस मुझे रोना आता था, मैं कैसे क्या थी, क्या हो गई। इतना बुरा लगता था, शीशा देखना बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि मुझे चेहरा अच्छा नहीं लगता मेरा, क्या हो रहा, मुँह नहीं धुल पाता, बिल्कुल भी उठा बैठा नहीं जाता, ये देख लो। बस ये सोचती रहती कि जल्दी से सही हो जाऊँ, जल्दी से कैसे भी सही हो जाऊँ एक बार। ये हालत हो गया यहाँ पर। अपने SMS हॉस्पिटल की बड़ी हेड डॉक्टर नहीं है, उनकी दवा खाई थी मैंने, तो उस दवा से भी असर तो हुआ, लेकिन मुझे इस असर क्या हुआ, वो 2-3 घंटे का वो हुआ, लेकिन उस दवा से मुझे नींद इतनी आई कि 10 दिन तक मुझे ना रात का पता ना दिन का पता, इतनी नींद आई मुझे कि मुझे मेरे बच्चों का भी ध्यान नहीं था। मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मुझे जगह जगह के खाना पानी ये खिला रहा है। तो ऑपरेशन के लिए कहा था डॉक्टर ने आपको? ऑपरेशन के लिए छल्ले सरक गए, आपके छल्ले डलेंगे, यानी ऑपरेशन करके छल्ले डलेंगे। तो आपने घर में सलाह मशवरा किया, आपके शौहर का क्या कहना था, परिवार का क्या कहना था? उन्होंने ये बोला, पहले देखो बेड रेस्ट करके देखो, वो कह रहे हैं बेड रेस्ट करवा रहे हैं, एक्सरसाइज पे भी लेके गए वो मुझे, तो मुझे आराम से ज़्यादा दिक्कत हो गई ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी पे चलते हैं तो थोड़े दचके तो आते हैं, तो उन दचकों से भी मुझे वो वहाँ पर एक्सरसाइज करके आई, उससे थोड़ा आराम लगा, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को गाड़ी पे बैठने से दिक्कत हो गई, मेरे से गाड़ी पे भी नहीं बैठा जा रहा। आप क्या कुछ नहीं कर पा रही थी शाहिदा जी, जब आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई? मुझे ये देख लो, ऐसे हो गया था कि मैं ना टॉयलेट जा पा रही थी, मुझे पकड़ के लेके जा रहे थे, पकड़ के लेके आ रहे थे, यहाँ तक कि मैंने खाना भी खा रही हूँ तो मुझे पीछे सहारा लगा के बैठना पड़ रहा था, जब वो एक रोटी आधी रोटी मेरे से खाए जा रही थी, इससे ज़्यादा मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, इतनी मोहताज हो गई थी। तो हकीम साहब के बारे में किसने बताया, ये बताइए? ये मेरे फादर ने बताया। फादर ने बताया था? मेरे फादर हकीम साहब का शो देखते हैं, तो उन्होंने काफ़ी शो देखे, और उन्होंने यहाँ तक कि आधी दवा तो उन्होंने नुस्खों से याद कर ली। अच्छा। और उनके पास जो भी जाता है वो नुस्खे बताते रहते हैं, और वो हकीम साहब की दवा के बारे में सबको बताते हैं, उन्होंने ही मुझे बताया था। तो देखिए, आपके फादर ने आपको बताया, फिर आपने दवाई इस्तेमाल की, तो आपको भी यकीन हुआ कि फादर ने जो दवाई बताई थी वो मेरे असर कर गई। मुझे ये देख लो, आप कहते हैं ना कि अल्लाह के बाद में माँ बाप होते हैं दुनिया, तो बस मेरे फादर ने जो कह दिया ना, मैंने वो मान लिया, ये समझ लो बस, लेकिन अब जो होना है जो होएगा, फ़ायदा हो या नहीं हो, ये दवा मैं मंगवा के लूँगी। जी, तो हकीम साहब से जुड़ के पहले की ज़िंदगी में अब की ज़िंदगी में कितना फ़र्क आपको लग रहा है, ज़िंदगी कितनी बदल गई? बहुत ज़्यादा, बहुत, बता नहीं सकती हूँ कि मैं सोच नहीं रही थी कि मैं इतनी जल्दी ऐसी सही हो जाऊँगी, इतनी अगर ऐसी परेशानी हो गई कि छल्ले डलने की नौबत आ गई, तो पता नहीं चल भी पाऊँगी नहीं चल पाऊँगी, कुछ काम कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये देखो लो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और हकीम साहब की दवा का, कि मैं अब आराम से पैदल चलती भी हूँ, आती भी हूँ, जाती भी हूँ, काम भी करती हूँ, सब कुछ काम करती हूँ, बस अब मेरे थोड़ी प्लेटों की दिक्कत हो गई, प्लेटें कम हो गई, तो उससे मेरा सांस भरता है, ये दिक्कत है। अच्छा, कौन सी दवाई आप ले रही हैं ये बताइए? मैंने काला गोंसिया मंगवाई थी, और एसकेयर कैप्सूल मंगवाई। ये आपने मंगवाए थे, अभी तो छूट गई है दवाई, छोड़ दी, बिल्कुल बंद है जी, अब तो जरूरत ही नहीं है? नहीं, 2 साल हो गए मेरे को छोड़े हुए। अच्छा, तो वो तकलीफ दोबारा से आपको उठी नहीं? क्योंकि कई बार महिलाएं शिकायत करती हैं, घर का ये काम कर ले वो काम कर ले, दोबारा से हो होती गई है, लेकिन वो दिक्कत नहीं होती जो पहले होती थी। अब तो मैं वजन भी उठाती हूँ, मैं सारा घर का काम भी कर लेती हूँ, थकन की वजह से, एक तो कमजोरी है, कमजोरी की वजह से भी दर्द हो जाता है, और वैसे भी भाई थक जाते हैं काम करते करते, या भाई थोड़ा ऑपरेशन हुए दो जल्दी जल्दी, तो पता नहीं वो सब कहते हैं कि सुई लगी है, तो इस वजह से भी, तो बस इतना सा दर्द होता है, रात को सोती हूँ सुबह सही फ्रेश उठती हूँ। तो आपके शौहर ने आपका कितना सपोर्ट किया आपकी बीमारी को लेके? अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती, उन्हीं के सपोर्ट से मैं हकीम साहब की दवा, उन्होंने सब जगह लेके मेरे साथ गए, जहाँ जहाँ उन्होंने बताया, सब ने बताया कि वहाँ लेके जाओ वहाँ लेके जाओ, तो वो वहाँ पर भी हर टाइम पे खड़े रहे, बल्कि मैं उन्होंने मेरे को हिम्मत दी, जब जब मेरी हिम्मत टूटी उन्होंने हिम्मत दी मेरे को। जी, तो अब वो जब आपको इतना सेहतमंद देख रहे हैं, दर्द तकलीफ बिल्कुल आपकी दूर हो चुकी है, दवाइयों का अब आपको इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ता, तो क्या कहते हैं वो भी और आपके परिवार वाले भी? खुश हैं,
और मेरे परिवार का भी बहुत सपोर्ट था। उन्होंने भी कभी मुझे मना नहीं करी, रोका नहीं कि नहीं वहाँ से मत मंगाओ, इतनी महंगी दवा है, धंधा काम नहीं है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने सब ने यही कहा मंगवा लो, अच्छी होनी चाहिए, बस सही होना चाहिए जी। सबका सपोर्ट था, मुझे परिवार का भी था और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ ये परिवार के सपोर्ट की वजह से बैठी हूँ। बिल्कुल, देखिए जहाँ बैठ नहीं पाती थी आपने इतनी देर हमसे बातचीत की है तो हमें तो एहसास बिल्कुल नहीं आपने होने दिया कि आपको दर्द भी है और बहुत अच्छे से आपने हमसे बात की है, तो यही हम देखने आते हैं कि वाकई में आपको आराम मिला है या नहीं मिला। मुझे जितना मैं बता नहीं सकती हूँ ना कि मैं अभी कैसे बयां करूँ कि मुझे कितना आराम मिल गया, नहीं मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं इतने जल्दी ठीक हो जाऊँ। हकीम साहब आपकी ज़िंदगी से जुड़ गए हैं, उनकी दवाइयों से आपको इतना आराम मिला है, तो कुछ कहना चाहेंगी? मैं हकीम साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और जैसे मेरे फ़ायदा हुआ उनकी दवा से, वो लाखों लोगों की दुआ है ले रहे हैं उनकी दवा। मैं घर जाती हूँ मेरे मायके, तो वहाँ पर मैं उनका मेरे फादर के साथ शो देखती हूँ, तो उनकी अमेरिका तक, कनाडा तक, सब जगह दवाई जाती है, सिंगापुर तक, तो सब लोग उनको दुआएं देते हैं, सब उनकी दवाओं की तारीफ़ करते हैं, तो मैं भी उनकी जैसे, बल्कि मैं तो कह रही हूँ मेरे पे जो बीती है ना वो किसी और पे नहीं बीते हैं और उनकी दवाओं से फ़ायदा सबके हो, जैसे मेरा फ़ायदा हुआ। तो आपने हकीम साहब का शो आपने भी देखा है अपने फादर के साथ बैठ के, कोई ऐसी बात हकीम साहब की जो आपको बहुत मुतासर करती हो? हाँ, उनकी उनकी जो कोई बात, उनकी एक बहन बनी हुई दिल्ली से जिनका फ़ोन आता है बार बार। जी 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 जी, तो वो उनकी फ़ोन आता है जब वो पहले हंस जाते हैं और उनको फ़ोन आते ही वो पता, उनके नाम से ही वो पहचान जाते हैं जी। क्या तो मुझे उस बात पर हकीम साहब की वो बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दयावती? हाँ, दयावती जी 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 जी, दयावती दयावती। और दूसरी बात, हकीम साहब बहुत अच्छे से सुनते भी हैं जी और वो बताते भी हैं सारी बातें। और देखो, एक तो अपन यहाँ कोई से भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो सबसे पहले जांच करवाते हैं जी, पहले ये ट्रीटमेंट करो, उसके बाद आपकी बीमारी परेशानी पता चलेगी। लेकिन हकीम साहब ऐसा कुछ नहीं, वो बीमारी सुनते ही दवा बता देते हैं। और हकीम साहब की मैं कह रही हूँ, ऐसी कोई से बीमारी नहीं है जिनकी उनके पास में दवा नहीं है, सब चीज़ों की वो दवा बताते हैं उनको, ये मुझे सबसे अच्छा लगा उनको। तो कैसा लग रहा है हमारे परिवार से जुड़ के, आखिरी सवाल चलते चलते? अच्छा लग रहा है और मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं इससे हकीम साहब की इतनी जल्दी वो हो जाऊंगी करीब, मुझे मालूम भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का, कि मैं सही भी हो गई और हकीम साहब की उसमें मेरे को मौका भी मिल गया। मैंने आपकी कंपनी में एक बार रिक्वेस्ट भी करी थी कि मुझे हकीम साहब से बात कराइए, लेकिन उन्होंने बोला था अभी वो बिजी चल रहे, उनकी बात नहीं हो पाएगी, शो नहीं आ रहा है, तो ऐसे तो मैं मिल नहीं पाऊंगी, लेकिन इस शो के जरिए मैं उनसे बात कर दूंगी और आप मेरा उनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना और मेरा सलाम कहना, मेरे फादर का भी सलाम कहना उनको, क्योंकि मेरे फादर की वजह से मैं आज हकीम साहब की दवा से जुड़ी। बिल्कुल, तो शाहिदा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया और हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी दुआएं मैम, आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। हकीम साहब की और आपकी पूरी टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए यहाँ आए इतना आपका टाइम निकाल के। बिल्कुल मैम, ये तो हमारा काम है कि हमें ये जानना होता है, देखना होता है कि जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं दर्शक वो कहाँ कहाँ तक ठीक हो रहे हैं, तभी तो देखिए हमें जयपुर आने का मौका मिला। से हो सका है 10-15 से 20 लोगों को मैंने बता दिया हकीम साहब की। एक मेरी जेठानी को बताया, अभी उनकी भाभी गई है, उनकी भी घटिया भाई है, मैंने भी उनसे ये कहा देखो दवा असर करेगी धीरे धीरे, लेकिन जड़ से बीमारी खत्म होगी, फायदा जरूर होएगा जी जी, यकीन करो आप। बिल्कुल, तो चलिए नेक काम आप करते रहिएगा मैम, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब मैम। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी शाहिदा मैम को सुना, जिनसे मिलने के लिए हम जयपुर में आ गए थे, तो आप लोग भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़ के ठीक हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, बस हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, विश्वास रखिए उस ट्रीटमेंट पे जो आप लोग जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से। तो एक बार फिर से मैं एक और सेहतमंद दर्शक के साथ हाजिर होंगी, इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको मिलवाऊँगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।